हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सवीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो गाइस, पिछले का वीडियो में हम आप सबसे बताए थे कि नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो रहेगा कि हम और आरएस दोनों कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं। एंड बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आप लोग दोनों कहाँ से पढ़ाई किए हैं और अभी कहाँ तक पढ़ाई आप लोगों की चल रही है। तो आज का ब्लॉग हम इसी टॉपिक पे बनाने वाले हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और इस वीडियो से जो भी कमेंट किए हैं उनका क्वेश्चन का आज आंसर मिल जाएगा कि हम और आरएस कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो गाइज, आप लोग ये कमेंट नहीं किए थे कि आप लोग लाइव प्रूफ मतलब प्रूफ के साथ बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। बट हम अभी उस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे, बस आप लोगों को हम अपने मुंह से ये बताएंगे कि हम कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और आरएस कहाँ तक पढ़ाई किया है। और गाइज, पिछले का हर एक वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए आप सभी को मेरे ओर से थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आगे भी वीडियोस पे अच्छा प्यार दीजिए ताकि जल्द से ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना कि हम कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो गाइज, सबसे पहले जब हम छोटा थे तो मेरी जो मौसी थी और जो मेरे मतलब मेरी मौसी जहाँ रहती थी ना, वो स्टार्टिंग में ही हमको अपने पास ले गई थी। उस टाइम हम करीब 5 साल के थे और फिर उससे पहले शायद याद है हमको कि हम आंगनबाड़ी में, ज़्यादा नहीं 1 से 2 महीना आंगनबाड़ी में पढ़े थे। उसके बाद फिर हम मौसी मेरी आई, नाना मेरे सर्विस करते थे तो मौसी के साथ मेरी 2 मौसी लोग थी वहाँ पे और मामा भी साथ में रहते थे, नाना भी साथ में रहते थे। तो वहाँ पर हम उन लोगों के साथ नर्सरी LKG UKG तक पढ़ाई किए थे और उसके बाद मेरे नाना उस टाइम रिटायर कर गए थे। एंड जो मेरी मौसी लोग थी वहाँ पे, जो आज हम आप लोग से एक बात इसी वीडियो में कहना चाहेंगे कि आज हम जितने भी अपने अंदर जो भी मेरा टैलेंट है या जो भी मेरा अपने अंदर पढ़ने का जो जुनून है, ये हम अपनी मौसी लोग के पास ही रह कर के सीखें। क्योंकि हम घर पे रहते तो मे भी ऐसा होता कि नहीं होता ये हमको नहीं पता, लेकिन हम जब मौसी के पास रहते थे तो वहाँ से ही मेरा जो पढ़ाई का जो बेसिक था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसके कारण आज मेरा कोई भी मतलब लेवल जो है पढ़ाई का वो सब बेटर है, दूसरों से बेटर है। तो मेन मेरा जो पढ़ाई का बेस था वो मेरा मौसी जहाँ रहती थी वहीं से स्टार्ट हुआ था और वहीं से मेरा पढ़ाई हुआ। तो नर्सरी LKG UKG हम वहीं से पढ़े और उसके बाद जब नाना रिटायर कर गए तो फिर मेरे पापा हमको वहाँ से ले आए, और जब ले आए तो फिर मेरा घर के एरिए में ही CBSE का स्कूल था, वहाँ पर हम और मेरा भाई दोनों एक साथ मतलब पापा दोनों को एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दिए थे। तो वहाँ पे फिर से वहाँ पे LKG में मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि पापा को उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम, 2008-09 का बात है, पापा को उतना नॉलेज नहीं था पढ़ाई से रिलेटेड। तो उस टाइम पापा LKG में एडमिशन करवा दिए। तो उस टाइम LKG UKG 1 क्लास और 2 क्लास हम पढ़े वहाँ पे। उसके बाद मेरे पापा का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिर पापा मेरे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग दोनों भाई बहन खुद से ही स्कूल जाना छोड़ दिए थे। क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ना, वो मतलब पैसा मांगते थे फी, तो घर में न मम्मी थी न पापा थे, फैमिली हम लोगों की कोई नहीं थी, जिसके कारण वो स्कूल हम लोगों को छोड़ना पड़ा। फिर जब पापा मेरे आए, मेरे पापा ना उस टाइम जेल चले गए थे और मम्मी भी जेल चली गई थी, तो उस टाइम स्कूल हम लोग का बंद हो गया। उसके बाद मेरे पापा मम्मी 1.5 महीना के बाद जब आए
तो पापा मेरे बहुत मतलब हम लोग को डांटने लगे कि तुम लोग क्यों छोड़ दी, क्या मतलब तुम लोग ट्यूशन पढ़ रही थी, क्या प्रिंसिपल निकाल ही दिए थे। तो उतना ज्ञान तो नहीं था उस टाइम हम लोगों के पास। और उसके बाद फिर पापा हम लोगों के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं, उस टाइम हम 4 क्लास में एडमिशन करवाएं और मेरे भाई 3 क्लास में एडमिशन करवाया था। तो 4, 5, 6, 7 हम वहाँ पे पढ़ाई किए। और उसके बाद मेरे घर का मतलब बगल में ही जस्ट अपोजिट में स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर हम 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास वहाँ से ही कंप्लीट किए। और 10 क्लास में जैसे होता है ना कि बोर्ड, तो उसमें मेरा अच्छा मार्क्स भी आया हुआ था। उस टाइम का बात कर रहे हैं, 2018 में हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा नंबर आया हुआ था मेरा। और जब हम वहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे तो ट्यूशन में मेरा जो मैथ का सब्जेक्ट था ना, मैथ में काफ़ी अच्छा नंबर था और साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर था। तो ट्यूशन में बोर्ड में पूरा नाम भी आ गया था। और उस टाइम मेरे पापा घर पे नहीं थे, बाहर में, मेरे पापा मतलब आउट ऑफ एरिया दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए थे। तो जब मेरे पापा वहाँ से आए हुए थे ना, तो सब बोल रहे थे कि ये देखो वहाँ पे आपकी बेटी का पोस्टर लगा हुआ है, अच्छा ना मतलब मैट्रिक में अच्छा नंबर आया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा हुआ था। और फिर हम जब मेरा 10 का रिजल्ट आउट हुआ, तो फिर हम पापा से बात किए। और फिर हम मेरा मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही ना ड्रीम काफ़ी बड़ा बड़ा है कि ये करना। और पढ़ाई को लेकर हमेशा मेरा रुचि बहुत आगे, मतलब इंटरेस्ट जो है ना मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रहा है। और तो गाइज जब मेरा 10 का रिजल्ट आउट हो गया, और रिजल्ट तो पापा देख नहीं पाए थे, और पापा को मेरा उतना ज्ञान भी नहीं था। भले मेरे पापा के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए मेरे पापा बहुत आगे रहे। कभी नहीं बोले कि हम पढ़ाई नहीं कराएंगे किसी को भी, या हम हो या मेरा 2 भाई है वो हो, मेरे पापा तीनों को पढ़ाई में इक्वल प्राइवेसी दिए हैं। और पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बाहर रहे हैं ना, तो बाहर का माहौल देखते थे कि पढ़ाई का क्या मतलब कि महत्व है बाहर में। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पापा हमेशा पढ़ाई में हम लोगों को कभी रोक टोक नहीं किए। और फिर हम अपने ही गांव के मतलब कॉलेज है, वो मेरे अंकल का कॉलेज है, अभी भी वो कॉलेज चल रहा है। तो फिर उस टाइम हम साइंस इंटर जो है साइंस से किए। और कुछ भी पता नहीं था कि साइंस में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन कॉलेज में जो भी पढ़ाई होता था वो हम पढ़ते थे, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए। और फिर इसी तरह से मेरा इंटर जो है 11, 12 कंप्लीट हुआ साइंस सब्जेक्ट से। और फिर मेरा रिजल्ट आया 2020 में, 2020 में रिजल्ट आया। तो मतलब देखिए, मेरे घर में हमको उतना पढ़ाई के बारे में कोई बताने वाला भी नहीं था, और ना ही मेरे से पीछे कोई थे, मतलब मेरे से आगे कोई भी मेरे बड़े कोई नहीं थे जो हमको बता सकते थे कि मतलब पढ़ाई का माहौल क्या क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा जो भी मतलब इच्छा था और जो भी मेहनत था, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई किए। और फिर 12 में सेकेंड किए। 10 क्लास में मेरा फर्स्ट डिवीज़न था एंड 12 क्लास में सेकेंड डिवीज़न था। और फिर 2020 में आप सबको भी पता है कि लॉकडाउन आ गया था, तो फिर उस टाइम भी मेरे पापा का फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप सबको भी पता है कि उस टाइम इंसान को खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो गाइस 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण फिर हम एडमिशन नहीं ले पाए। पापा भी उस टाइम नहीं थे, और उस टाइम हम खुद ट्यूशन पढ़ा करके और घर को मैनेज कर रहे थे। और फिर पापा को बोले, रिजल्ट आया तो पापा मेरे घर में ही थे, घर में नहीं थे, बाहर में ही चले गए थे मेरे पापा लॉकडाउन में भी। तो पापा को कॉल किए, पापा को बोले कि रिजल्ट आया हुआ है तो एडमिशन के लिए क्या करना है। तो पापा बोले कि तुमको भी पता है कि अभी कंडीशन कितना ख़राब है। तो फिर उस टाइम हम पापा को भी कुछ नहीं बोलने गए, क्योंकि जब उनके पास रहता तो मेरे पापा कभी मना भी नहीं करते। तो गाइस इसी तरह से 2020 में हम एडमिशन नहीं ले पाए, और 2021 में
एडमिशन नहीं ले पाए। 2022 में हम एडमिशन लिए, वो भी अपने दम पर हम बाहर निकले। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर हम बाहर निकले और अपने ही एरिया के डिस्ट्रिक्ट में हम शिफ्ट हुए और उसके बाद फिर हम खुद से काम करना शुरू किए और फिर उसी के दौरान हम कुछ पैसा जमा करके रखे और फिर वही उसी पैसे से हम कॉलेज में एडमिशन करवाएं और ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस से मेरा। और जब 2022 में जब हम एडमिशन लिए तो ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो गया है, बहुत लोगों को पता भी होगा। और पहले तो 2021 तक 3 साल का था, 2022 से 4 साल का हो गया है। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। आप सबको पता चल गया कि इस लेवल से इस लेवल तक मेरा पढ़ाई कैसे और कहाँ तक हुआ। तो फाइनली अभी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब चल रहा है। ये मेरा सेकेंड ईयर है और 2 साल अभी मेरा और बचा हुआ है। 2 साल तो क्रॉस हो गया, 2 साल और बचा हुआ है। और साथ में कंपटीशन का क्लास लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि रुकना तो नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। पिछले का वीडियो में भी आप सबको बताएं कि कुछ भी अगर आपका ड्रीम है ना, वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन ठान लीजिए तो एक दिन में ज़रूर होता है। तो मेरे बारे में आप सबको पता चल गया कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक हुआ है। और अब बात करते हैं आरएस का। तो और गाइस यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि जब हम अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम पे हम एडमिशन नहीं ले पाते कॉलेज में, लेकिन वहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में ट्यूशन पढ़ा रहे थे, फिर दो भाभी थी जिससे दोनों से मुलाकात हुआ मेरा। बाय गॉड ऊपर वाले का शुक्रिया एंड दोनों भाभी का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अगर वो सबके घर में हम नहीं रहते तो शायद आज हम एडमिशन भी नहीं कर पाते। और कभी जाएंगे तो आप लोगों को उनसे भी मिलाएंगे, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बार और भाभी लोग से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। भले काम हम किए लेकिन पैसा तो उन लोगों से ही मेरा मिला। तो ये ऐसा रहा मेरा कुछ कंडीशन यहाँ से यहाँ तक का। तो अब बात करते हैं मेरे हस्बैंड मिस आरएस का कि उसका पढ़ाई कहाँ तक हुआ। तो गाइस आरएस का डिटेल में तो हमको उतना नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि स्टार्टिंग से वो भी CBSE में DAV स्कूल से पढ़ाई कर रहा था, और वो उसका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं होने के कारण वो क्या किया, बीच में पढ़ाई स्टॉप कर दिया। और दोस्त लोग के लड़कों में अधिकतर यही होता है कि दोस्ती में पढ़ाई छूट जाता है, लेकिन मेरा था कि हम घर का काम भी करेंगे और बाहर का भी देखेंगे और फिर अपना भी पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटते और आज भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी पढ़ रहे हैं, बाकी किस्मत देखिए कहाँ लेके जाता है। तो आरिस का दोस्ती यारी के चक्कर में बीच में उसका पढ़ाई पोस्टपोन हो गया और फिर वो अभी मतलब कि 2021 में 2020 में वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर से उसका रिजल्ट अच्छा आया, सेकेंड डिवीज़न था, और फिर हमको उतना नहीं पता, हम उसका देखे नहीं है, लेकिन ये पता है कि सेकेंड डिवीज़न आया हुआ था। तो गाइस आरएस उस टाइम उसका मतलब रिजल्ट 2021 में उसका आया, तो वो उस टाइम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि दोस्ती यारी के चक्कर में कभी पढ़ाई पे फोकस नहीं किया। तो इस तरह से उसका मैट्रिक चला और फिर इंटर भी चल रहा, और वो अभी ITI कर रहा है, जहाँ से हम अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहीं से, मतलब कॉलेज दूसरा दूसरा है दोनों का, तो वहाँ से वो फिर ITI कर रहा है। तो आप सभी जो भी ये क्वेश्चन किए हुए थे कि आप लोग दोनों की पढ़ाई कहाँ तक हुई है, तो आप लोग को आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया कि मेरा पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, सेकेंड ईयर है, और आरएस का ITI अभी चल रहा है।
तो गाइज आज हम आप सबको अपने और आरएस के बारे में पढ़ाई का सच्चाई बता दी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और फिर वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ।